गाइस मैं आज ये डिज़ाइन पे ट्यूटोरियल वीडियो बना रहा हूँ, ये दिख रहा है ना आपको, इसका एक एक वर्क मैं दिखाऊंगा कैसे बन रहा है। अभी यहाँ पे गोल्डन जरी का क्लीन एंड आउटलाइन होगा। गोल्डन जरी है 753 का भी बहुत। यहाँ पे हमारा 3 लेंथ जरी कंप्लीट होने वाला है, ये देख लें। 3 लेंथ जरी ऑफलाइन किया मैंने 753 नंबर का जरी। गोल्डन शुगर बिट्स लिया है 87 नंबर का, ये वोवेन कनेडियन है हमारा। ये देखें गाइस बिट्स किस तरह से हम लोग गिराते हैं, पहले दो फिर एक फिर दो, इस तरह से कंटिन्यू दो दो बिट्स नहीं गिराना है, एक फिर दो फिर एक फिर दो, इस तरह से आप गिरा सकते हैं। आपको दिख रहा है ना साफ, देखिए दो फिर एक। यहाँ पर जो मिडिल में मोती मैंने डाला है वो 3 नंबर का मोती है गाइस, 3 नंबर का मोती यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने हमारा ये बीट्स रेडी हो चुका है। और फ्रेंड्स यहाँ पर ये 3 नंबर की मोती है और ये गोल्डन कट बीट्स है स्मॉल साइज का, और आगे में एक मोती और उसके बाद दो करदाना दे करके आपको कुछ इस तरह से बनाना है। देखें आप वीडियो में, इस तरह से मोती के ज्वाइंट को तोड़ा जाता है। ये निडिल है ना, इसका निडिल नहीं रहेगा, सिर्फ ये वुडन में देखें, ये सब मोती जुटा हुआ होता है, आपस में ज्वाइंट होता है। अब ये ऐसा घुमा घुमा के तोड़ने से वो अलग अलग हो जाता है, ये देखें है ना, ये देखें ये देखें ये है ना, ये देखिए अब अलग हो गए। तो घुमा के आप तोड़ेंगे ऐसा इस तरह से,
तो ये पूरा टूट जाता है, अलग अलग हो जाता है।
साइज है हमारा ये। यहाँ पर कटबिट्स का वर्क भी रेडी हो चुका है, देखें कटबिट्स का काम फिनिश हो गया। अभी यहाँ पर जरदोजी का काम स्टार्ट होगा। ये हमारा गोल्डन जरदोजी है, अभी इसका वर्क होगा, इसका फुग्गा बनेगा हमारा। और गाइज यहाँ पे मैंने 1 इंच का जरदोजी कट किया है, इससे फुग्गा वर्क बनाऊँगा मैं। जब भी आप जरदोजी को कट करें, एक या दो जरदोजी लें, क्योंकि आप बिगनर्स हैं। मुझे तो थोड़ा कम काम है यहाँ पे, इसके लिए मैं कम कट कर रहा हूँ। ज़्यादा जरदोजी एक साथ काटेंगे ना तो फिनिशिंग नहीं आती, फिनिशिंग से नहीं कटता है। हम लोग भी ज़्यादातर एक या दो ही लेकर के यूज़ करते हैं, कट करते हैं। ये देखिए गाइस, पहला स्टिच कहाँ से निकला। ये जरदोजी जो मैंने लिया था उसका मिडिल में एक स्टिच लगा के थर्ड स्टिच उसी जगह पे जहाँ से आपने शुरू किया था, देखें इसी तरह से सारा फोकस रेडी हो जाएगा। इसके अंदर जितना ज़्यादा स्टिच लगाएंगे ना आप, वो दबका जो है इसको जरदोजी को, जरदोजी जिसे कहते हैं, इसमें जितना ज़्यादा स्टिच लगाएंगे ये चूर हो जाता है, डैमेज हो जाता है। देखें यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखें कैसा दिख रहा है ये। यहाँ पर ज़्यादा स्टिच लगाया सिलने वाले ने, इसकी वजह से ये थोड़ा डैमेज हो गया, चूर हो गया। और यहाँ पर देखें 3 स्टिच में डैमेज नहीं हुआ है। इसी तरह से आपको भी बनाना है। मैंने सिल्क थ्रेड लिया है, 2 तार का सिल्क थ्रेड अभी यूज़ करूँगा, ये 2 धागा यूज़ करूँगा एक साथ। और यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, ये लोडिंग बना हुआ, अभी वो बनेगा। ये थोड़ा सा क्रॉस अगर करेंगे ना तो ऊपर से गोल होगा, नीचे पॉइंट आ जाएगा। अगर स्ट्रेट बनाएंगे तो सही नहीं बैठेगा। ऊपर से आपको स्टिच घटाना है और नीचे बढ़ाना है, मैंने सभी वीडियो में आपको बताया कई बार। इसको इसका लोडिंग करने का यही तरीका है, चाहे लीप हो चाहे ये वाला फुग्गा टाइप का लोडिंग स्टिच हो। इसी तरह से फ्रेंड्स सभी फुग्गा में, ये जो फुग्गा दिख रहा है फुग्गा की जैसा, ये लुक इसके लिए मैं फुग्गा फुग्गा बोल रहा हूँ इसको। नीचे से पॉइंट है, ऊपर से गोल है, राउंड है, तो इसमें इसी तरह से थ्रेड का लोडिंग हो जाएगा। और ये दो थ्रेड लेकर के मैं बना रहा हूँ, 2 तार की निडल से। ओके,
और गाइज यहाँ पर हमारा क्रेट का जो लोडिंग का वर्क था वो रेडी हो चुका, और हाँ भी अभी हमारा एम्ब्रॉयडरी का, जिसे कहते हैं हम जान, एम्ब्रॉयडरी की जान, यानी ये रिंग नॉट वर्क हमारा स्टार्ट होने वाला है, जिसकी वजह से इसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा, देखेंगे आप। अभी देखें थोड़ा अधूरा लग रहा है ना, जब वो बन जाएगा तो फिर देखेंगे इसका लुक कैसा कैसा लगता है। और ये देखेगा कि ये फुग्गा है ना, फुग्गा के अंदर से स्टिच निकालना और फुग्गा के बाहर स्टिच लगा देना। बस ये थ्रेड का कलर बहुत अच्छा नहीं है, पर कलर इसके जगह पिंक में के साथ अगर ग्रीन होता तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये लाइट पिंक कलर का साड़ी का कलर है इसका। और अभी गाइस यहाँ पर हमारा रिंग नॉट बनने वाला है। और गाइस यहाँ पर हमारा ये रिंग रेडी हो चुका है। मैं सभी एंगल से शूट करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि निडिल कहाँ से निकाला जा रहा है और कहाँ लगाया जा रहा है। एम्ब्रॉयडरी का इतना क्लीन वीडियो मैं बना के दे रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को एम्ब्रॉयडरी सीखने में कोई परेशानी ना हो।
अब यहाँ से यहाँ आप डायरेक्ट नहीं आ सकते हैं, धागा लंबा हो जाएगा। एक स्टिक यहाँ पर अभी मैंने लिया ना, आपने देखा, अभी सपोज मान ले आप यहाँ दर्दोजी कर रहे हैं कंप्लीट, अभी आपको यहाँ से यहाँ आना है, तो आपको एक स्टिच खाली स्टिच इस तरह से निकालना है और वापस इसको डाल देना है, यहाँ पे कोई नॉट उट नहीं करना है, लॉक करके यहाँ पे फिर उसके बाद इधर आना है, ज़्यादा लॉन्ग यहाँ से वहाँ नहीं जाना है, ठीक है। और गाइस हमारा ये वर्क यहाँ पे रेडी हो चुका है, देखो कैसा लग रुका है इसका।